जो है हजारों में एक, जिनके चुलबुले अंदाज पर है लाखों फिदा, जिसके बेबाक बिंदास अंदाज ने किया सभी को घायल, जो है टीवी जगत की डिंपल गर्ल और अब जो बन गई है नागिन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैस्मीन भसीन की और आज हम लेके आए हैं आपके लिए जैस्मीन की जिंदगी के कुछ हसीन किस्से कहानियाँ। जैस्मीन का जन्म 28 जून 1990 को राजस्थान के कोटा शहर में हुआ था। जैस्मीन के घर में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई है। बचपन से ही जैस्मीन काफी चुलबुली थी। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जैस्मीन का ध्यान मस्ती और खेलकूद में था और ऐसे ही एक दिन मस्ती करते हुए जैस्मीन के साथ हुआ एक बुरा हादसा। बाइसाइकिल चलाते हुए जैस्मीन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसे उनकी हालत काफी नाजुक हुई। सूत्रों की माने तो जैस्मीन को खून की उल्टियाँ भी हुई और जैस्मीन 2 दिन तक कोमा में थी। पर वो कहते हैं ना, जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। जैस्मीन की तबीयत में सुधार आया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। जयपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जैस्मीन अपने करियर की तरफ तवज्जो देना शुरू किया और जैस्मीन को कई सारे प्रिंट्स, एडवर्टीजमेंट और मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। अपने एक प्रिंट शूट की वजह से ही जैस्मीन को मिला उनका पहला एक्टिंग ब्रेक, जो थी 2011 की साउथ फिल्म वाना। उसके बाद कई और फिल्म जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, बेटा में जैस्मीन नजर आई और फिर जैस्मीन ने ली टेलीविजन इंडस्ट्री में एंट्री सीरियल टशन ए इश्क से। शो में उनके ऑपोजिट जैन इमाम और सिद्धांत गुप्ता थे। शो काफी सक्सेसफुल रहा। जैस्मीन का किरदार ट्विंकल काफी पॉपुलर रहा और उनके और जैन के बीच की लव हेट केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही थी। शो लगभग 2 साल ऑन एयर रहा और फिर जैस्मीन नजर आई सीरियल दिल से दिल तक में, जो उनके करियर के लिए रहा टर्निंग पॉइंट। शो में वो एक सरोगेट माँ के रोल में दिखी थी। शो में उनके ऑपोजिट रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला थे। जैस्मीन का किरदार टेनी काफी ट्रेंड सेटिंग था। उनका अलग और फनी वे में बात करना, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल लोगों को काफी पसंद आ रहा था। जैस्मीन को उनके शो के लिए कई अवार्ड्स भी मिले। एक्टिंग करने के बाद जैस्मीन ने अपना लक एक्शन में भी आजमाया। जी हाँ, इंडिया के एक्शन का ओवरडोज शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 का हिस्सा बनी। बहुत ही ब्रेवली जैस्मीन ने अपने स्टंट्स किए, जिसके लिए उनके शो के होस्ट रोहित शेट्टी की वाहवाही भी मिली। टॉप 5 में आने के बाद अफसोस, जैस्मीन एलिमिनेट हो गई। शो के दौरान जैस्मीन और एलिगोनी की दोस्ती काफी चर्चा में थी। शो खत्म होने के बाद भी दोनों कई बार साथ देखे गए। दोनों के अफेयर की खबरें भी छपने लगी थी, पर दोनों ने अब तक अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखा है। जैस्मीन स्टार प्लस के शो दिल तो हैप्पी है जी में नजर आई। शो कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा सका, टीआरपी भी काफी लो रहा और लो टीआरपी के चलते शो के मेकर्स ने शो में लीप लाने का डिसीजन लिया, जो जैस्मीन को मंजूर नहीं था। इसलिए जैस्मीन ने शो को बीच में ही अलविदा कह दिया। जैस्मीन को डोनल्ड बिश ने रिप्लेस किया, पर शो कुछ दिनों में ही ऑफर हो गया और अब मानो जैसे जैस्मीन के सारे सितारे सातवें आसमान पर है, क्योंकि जैस्मीन एकता कपूर यानी बालाजी टेलीफिल्म्स के सुपरहिट शो नागिन 4 का हिस्सा बनी है। जैस्मीन नयनतारा के किरदार में नजर आ रही है। जैस्मीन के साथ शो में निया शर्मा भी है। अपने कई इंटरव्यूज में जैस्मीन ने बताया कि वो बेहद खुश है कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस का सुपरहिट शो का हिस्सा बनके। हर एक्टर का ख्वाब होता है कि वो एक बार एकता कपूर के शो का हिस्सा बने और जैस्मीन का ये ख्वाब काफी जल्दी पूरा हुआ। शो को प्रमोट करने जैस्मीन बिग बॉस एरा के घर के अंदर है, जहां उन्हें मिले उनके पुराने दोस्त सिद्धार्थ और रश्मि देसाई, जो एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए हैं। पर जैस्मीन की माने तो सिद्धार्थ सही है और रश्मि गलत। घर से निकलने के बाद जैस्मीन ने एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सिद्धार्थ एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो किसी औरत के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, वो रश्मि है जो सिद्धार्थ को पोक करती है। जैस्मीन के इस बयान से काफी सनसनी मच गई थी। खैर, अब जैस्मीन का नेचर ही कुछ ऐसा है कि वो न्यूज के हेडलाइंस लाइमलाइट में आ ही जाती है। तो कैसी लगी आपको ये जैस्मीन की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आप किस टेलीविजन स्टार की कहानी देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फॉर मोर गॉसिप्स एंड अपडेट्स ट्यून इन टू टेली मसाला।